आहो आज मैं पुंछ आया था अपने किसी काम से, तो आज मैंने आते रास्ते में देखा बीआरओ की रोड अखनूर से लेके पुंछ तक, यानी पीछे मंजा कोट तक, इतना बुरा हाल उस रोड का। ये बीआरओ की रोड है और इसकी फंडिंग जितनी भी है सारी गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया की रोड उसकी ट्रांसपोर्ट की जो डिपार्टमेंट है वो इसकी फंडिंग कर रहे हैं। इतना बुरा हाल है कि जो कंट्रैक्ट इसका प्रोजेक्ट कंट्रैक्ट जो रहता है एग्रीमेंट वादी को कम से कम चलने लायक तो बना दो। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं आज आया हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है वापस आऊँ, कहीं पुंछ आने के लिए बंदे को 3-4 दिन का टाइम चाहिए। इतना बुरा हाल। और मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से अपनी दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहने का है कि मोदी जी तो हमारे एलजी साहब तो बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए, काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं जेड के स्टेट के अंदर, लेकिन जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहीं इसकी तरफ ध्यान नहीं है। यानी वो लोगों की जो तकलीफें हैं वो उन्हें दिखती नहीं आज तक, कहीं नहीं दिखती उनको। क्यों नहीं दिखती है, इसका क्या कारण है, ये तो वही जाने। लेकिन मेरा आपके माध्यम से यही कहना है एलजी साहब से कि ना तो एलजी साहब इधर आएंगे देखने के लिए, ना मोदी साहब आएंगे, ना राजनाथ जी आएंगे, लेकिन ये काम है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। चले हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ, डिप्टी कमिश्नर अपने हो गए रजौरी वाले, जो उनका काम है देखना। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे जम्मू जब कैसे मूव करते हैं, कैसे रजौरी जाते हैं, कैसे सेंटर बने जाते हैं। और मैं तो दंग आ गया हूँ आज इस रोड को देख के। और एलजी साहब से मेरी एक ही दरख्वास्त है, राजनाथ जी से प्रार्थना है मेरी कि इस रोड की तरफ ध्यान दें। और थोड़ा अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है चीफ सेक्रेटरी साहब से, कभी वो पुंछ का चक्कर लगाएं और इस रोड को देखें क्या हाल है इस रोड का, जो बीआरओ की रोड है। और एग्रीमेंट के अंदर रहता है कि आधी रोड रिपेयर करना और आधी काटना आधी चलना, और कम से कम चलने लायक तो बना दो रोड, जो लोगों के चलने लायक तो रोड बन जाए, अब मत ब्लैक टॉप करके दे। और मेरी आपके माध्यम से फिर उनसे एक प्रार्थना है एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि इस रोड की तरफ ध्यान दें और कभी पुंछ का दौरा करें, कभी पुंछ आके देखें कितना बुरा हाल है हमारे लोगों का। बस आपका धन्यवाद। सर, आपकी सरकार बड़े दावे कर रही है कि हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, अच्छी सड़कें दे रहे हैं, तो ये सड़कों का जाल तो बिछा रहे हैं, हमारी सरकार तो पैसा दे रही है, पैसा दे रही है, आपके सामने काम भी चल रहे हैं। लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना देखना, एक दिल्ली वाले थोड़े मोदी साहब आएंगे देखने, या इसको राजनाथ सिंह जी आएंगे देखने, या एलजी साहब इसको देखने आएंगे, ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है देखना कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट जो कंटैक्ट हुआ, प्रोजेक्ट कंटैक्ट हुआ इनके साथ बीआरओ के साथ, ये इनका काम है देखना। और मेरे जो मेरे ध्यान में आया है, जो मेरे सुनने में आया है कि इसकी एक गाइडलाइन है, जो प्रोजेक्ट इनके साथ जो प्रोजेक्ट कंटैक्ट रहता है इनके साथ, कि एक गाइडलाइन है कि आधी रोड को काटो आधी बनाओ आधी कम से कम चलने लायक तो रखो लोगों के लिए। लेकिन आप सब, मेरे ख्याल आप सब भी लोग इस जम्मू गए होंगे, सेंडर बनी रजौरी गए होंगे, लेकिन इतना बुरा हाल है इस रोड का। मैं तो चलो आज तो मुझे मजबूरी थी, मुझे आना था, लेकिन मैं तो यहाँ भूल के भी ना आऊँ इस रोड के ऊपर।